हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। गाइस, आज दुनिया में हर दिन बहुत सारे लाइव स्ट्रीम वीडियो होते हैं और हर दिन बहुत सारे न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड गेमिंग चैनल्स लाइव ब्रॉडकास्टिंग करते हैं और हम सब इसको बिना टिकट खरीदे अपने सोफे पे आराम से बैठकर देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग की टेक्नोलॉजी वो किसने इन्वेंट की? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, जो कि एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो नहीं है। अगर आपको होमस्टेड की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो और होमस्टेड चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। ये विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन 20 साल हो गए जब पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग ने इंटरनेट पर लहर बनाई थी। 1993 में जेरोक्स पार्क नाम का एक व्यक्ति एक छोटे से शो को होस्ट कर रहा था पालो अल्टो में, जब दूसरे कमरे में रहने वाले इंजीनियरों ने इंटरनेट पर पब्लिश करने के लिए अपनी नई टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग करने का फैसला किया। और इसी टेस्टिंग के दौरान सीवियर टायर डैमेज नाम का एक बैंड इस इवेंट में परफॉर्म कर रहा था। दुर्घटना से उनका शो पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट बन गया, जो वर्ल्ड का पहला लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट था। इसके बाद कई सारी कंपनियां लाइव स्ट्रीमिंग के मार्केट में आई। लाइव स्ट्रीमिंग के मार्केट में एंट्री करने वाली पहली कंपनी में से एक रियल नेटवर्किंग कंपनी थी, जिसकी स्टैब्लिश 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव रोब ग्लेसर ने की थी। ये कंपनी बेसबॉल गेम को पब्लिश करने वाली पहली कंपनी थी और इस कंपनी ने 1997 में रियल नेटवर्किंग रियल प्लेयर स्ट्रीमिंग वीडियो टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था। 1999 में नेटेड को दुनिया के देशों में इंटरनेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। बीबीसी और एमटीवी टेलीविजन नेटवर्क के साथ तीन बहुत हाई प्रोफाइल म्यूजिक प्रोग्राम इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम किए गए थे। आज दुनिया में कई सारी कंपनियों द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। कंपनियां बिजनेस के लिए लाइव स्ट्रीमिंग से मीटिंग, प्रेजेंटेशन और सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकती है। कई वेबसाइट जैसे गो टू मीटिंग अब पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म देती है, जिससे कंपनियां इस तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकती है। पहली यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग 2008 में की गई थी। लाइव स्ट्रीमिंग से अब लोग दुनिया के किसी कंट्री में चल रहा लाइव कॉन्सर्ट या टेलीविजन शो अपने सोफे पर बैठकर आराम से देख सकते हैं। तब से लाइव स्ट्रीमिंग का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाने लगा है। 2009 में नासा ने पहली बार शटल लॉन्च को लाइव स्ट्रीम पर भी दिखाया गया था, जिसे प्ले स्टेशन ने होस्ट किया था। लाइव स्ट्रीमिंग को 20 साल लगे पूरी तरह से डेवलप होने के लिए, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्वेंशन को पूरा होने में टाइम तो लगता है। लाइव स्ट्रीम के कुछ फैक्ट्स की बात करें तो अब तक का लॉन्गेस्ट वीडियो लाइव स्ट्रीम 161 आवर 11 मिनट 32 सेकंड की है, जिसे हुदू लाइव स्ट्रीम ऐप ने 13 से 20 मई 2019 को सांता मोनिका कैलिफोर्निया अमेरिका में लाइव किया गया था। फेसबुक लाइव पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लाइव वीडियो को चेवबका मोम कहा जाता है, जो 2016 का वीडियो था, जिसे 2019 तक 175 मिलियन से भी ज़्यादा बार देखा गया। लास्ट फैक्ट की हम बात करें तो दुनिया भर में 100 मिलियन इंटरनेट यूजर हर दिन ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं। तो दोस्तों, बस आज के इन्वेंशन की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ आपको जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि होमस्टेड के इन्वेंशन की ऐसे ही कुल वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन की वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।